बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास का चैप्टर वन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के किस वर्ड मीनिंग और कुछ क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड है उन्मुक्त। उन्मुक्त मीन्स आज़ाद। दूसरा है पिंजरबंद। पिंजरबंद मीन्स पिंजरे में बंद। पुलकित कोमल। कटुक निबोरी। कटुक मीन्स कड़वा, निबोरी मीन्स नीम का फल। तो आंसर होगा नीम का कड़वा फल। स्वर्ण शेखला सोने की सलाखें। स्वर्ण मीन्स सोना, श्रृंखला मीन्स सलाखें। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, री की मात्रा नहीं लगी। फुनंगी इसका अर्थ अक्सर बच्चों को नहीं आता और पूछते भी नहीं है आप लोग। पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा, ठीक है। अरमान इच्छा नीड घोंसला। आकुल व्याकुल। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछ भी सकता है कि इस कविता के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। तो इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर टू है पक्षियों को किसका बंधन है, तो स्वर्ण श्रृंखलाओं का बंधन है। बंधन किसका है, स्वर्ण श्रृंखलाओं का। तीसरा क्वेश्चन है पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं, तो पक्षी उन्मुक्त यानी आज़ादी के रूप में रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कनक तिल्लियों से टकराकर क्या होगा, अगर वो सोने की श्रृंखला के पिंजरे में उनके पंख टकराएंगे तो क्या होगा, तो उनके पंख टूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है कनक का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। कनक के वैसे अर्थ और भी हैं लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू चैप्टर याद करना है, तो इसके अकॉर्डिंग टू चैप्टर इसका अर्थ केवल एक ही है, सोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पक्षी अपनी सीमा पाना चाहते, किसकी सीमा पाना चाहते हैं, तो पक्षी नीले आसमान की सीमा पाना चाहते हैं। सेवन है क्षितिज कैसा है, जो क्षितिज है वो सीमाहीन है, इसकी सीमा ही नहीं है लेकिन पक्षी इसी की सीमा पाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है पक्षियों को कड़वी निबोरी क्यों पसंद है, तो बच्चों पक्षियों को कड़वी निबोरी पता है क्यों पसंद है, क्योंकि आज़ादी में मिली है वो भोजन उन्हें आज़ादी में मिला है और आज़ादी में मिले इस प्राकृतिक भोजन में उन्हें मेहनत की मिठास घुली हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नाइन है पक्षी क्यों दुखी हैं, तो पक्षी इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे बंधन में हैं, क्योंकि वे आसमान की ऊँचाइयाँ छूने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अनार रूपी तारों को खाने में भी असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है लंबी उड़ान में क्या क्या संभव हो सकता है, अगर पक्षी लंबी उड़ान भरेंगे तो क्या हो सकता है, तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो शायद उन्हें क्षितिज की सीमा मिल जाती है और दूसरा उनकी सांसों की डोरी है वो तन जाएगी यानी वो थक जाएंगे। दो बातें होंगी, या तो उनके अनुसार या तो उन्हें क्षितिज की सीमा मिल जाएगी या उनकी सांसों की डोरी तन जाएगी।